16 जिले 59 सीटें, किसका बूथ कितना मजबूत, ये आज हम आपको बताएंगे। और अभी हम ग्राउंड पे उतरे हुए हैं और लगातार आपको ग्राउंड रियलिटी क्या है ये बताएंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ पीछे जो कि अभी मतदान करने जा रहे हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे इनके मुद्दे क्या होंगे, क्या सोच कर ये वोट देंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम है आशु मिश्रा। मैं जी हाँ मिश्रा जी, मुद्दे क्या होंगे, क्या चाहिए आपको और कैसे बीते 5 साल? देखिए, चाहने के लिए तो बहुत कुछ मिला है और आगे आने वाले भविष्य में मिलेगा भी। हाँ। नंबर एक सबसे बड़ी इस गवर्नमेंट में महिला सुरक्षा। हाँ। सुरक्षा। हाँ। आज की तारीख में जो हम 5 साल पहले सुरक्षा देखते थे वो जीरो थी। हाँ। आज को सुरक्षा है बेधड़क। हम कहीं जाते हैं कहीं आते हैं। हाँ। कोई भी कोई डर नहीं, चाहे अकेले हो या हमारी फैमिली हो। हाँ। कोई डर नहीं रह गया है। हाँ। और आने वाले समय में इतनी हम लोग कोरोना काल से निपट चुके हैं, जिस गवर्नमेंट ने 2 साल पूरी हिंदुस्तान की जनता को खिलाया है, सबसे बड़ा सौभाग्य है। और हम यही चाहेंगे सभी लोग सुरक्षा में जीरो दे रहे हैं पहले वाली गवर्नमेंट को, यानी अखिलेश यादव की सरकार थी पहले, तो ये बताइए, वो कहते हैं 100 नंबर मैं लेके आया और आप सुरक्षा में जीरो दे रहे हैं, तो क्या थी पहले स्थिति, मैं जानना चाहूँगा। एक वो 100 नंबर लाए हैं, उनके लाने से थोड़ी कुछ होगा। हम चाहते हैं सुरक्षा, 100 नंबर तो पुलिस है, एक 10,000 पब्लिक के ऊपर एक पुलिस है, एक पुलिस वाला। अगर हमने डायल किया है, हमने अगर डायल किया है 100 नंबर में, पहले बात तो उठता ही नहीं था। नहीं उठता है। हाँ जी हाँ, अब उठता है। मैंने उसका प्रैक्टिकली किया है, उठा है, आए हैं। एक बार हमारी हरदोई से आ रहे थे रात में 12 बजे, हमारी मिसेज अकेले, गाड़ी पंचर हो गई। हाँ। साहब डर लगा, मैंने 112 पे डायल किया, विद इन 5 मिनट इस काम। मैं जहाँ पे काम कर रहा था, गाड़ी पंचर हुई थी, सही हुई, वहाँ सही हुई, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, इस गवर्नमेंट में हम सभी को चाहेंगे चुने, एक मत होके चुने, पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट बनाए। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि पुलिस वाले अब आ जाते हैं, उधर अखिलेश यादव बोल रहे हैं पुलिस वाले बदतमीज हो गए हैं, ऐसे बदतमीज तो मैंने देखा है। मैं नहीं चाहूंगा, इतने बड़े ऑस्ट्रेलिया रिटर्न है वो। हाँ। शोभा नहीं देता उनके लिए ये शब्दों का। हाँ। और वो एक अच्छे पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ। थे, और मैं उन्होंने अगर इस मंच से कहा है तो पूरी हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया ने उनके शब्दों का प्रयोग किया थे, तो क्या फ्यूचर चीफ मिनिस्टर बनने की उम्मीद है कि नहीं अखिलेश? ये कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहा हूँ, दूंगा। सभी से हमारा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है। यहाँ सामने बूथ है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बूथ पे भूत भी नहीं दिखेगा बीजेपी के। भूत? यहाँ तो लाखों भूत हैं। आप भूत की बात कर, क्या अखिलेश जी ने भूत देखा है कभी? पूरा कन्नौज भाजपा में हो चुका है। एक और सवाल फिर मैं आपके पास आती हूँ। आपने अपना नाम मिश्रा जी, ये बताइए कि ब्राह्मण नाराज है क्या बीजेपी? नहीं नहीं नहीं, कोई एक पर कहा जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज चल रहा है। उन वो जिन्होंने अपराध किया, वो जो किसी जाति का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख, चाहे ब्राह्मण, चाहे वैश्य, चाहे ठाकुर, क्या दलित, कोई भी हो, जो अपराध करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, और मिली, सही मिली सजा। इसके लिए ब्राह्मण कोई नाराज, जो आज को पट्टा डाले घूम रहे, ब्राह्मण का जीरो है। नहीं संभाल पाएंगे। करहल भी जा रहा है क्या हाथ से? हाँ, करहल से जा रहा है। एसपी बघेल जीत रहे हैं करहल से? एसपी बघेल नहीं, उनकी अनुप्री या उनकी पुत्र वधु जीतेगी बीजेपी। एसपी बघेल है वहाँ। क्या नाम है आपका? आशा देवी गुप्ता। ये बताइए कि कैसे रहे 5 साल योगी जी के? देखिए ऐसा है बहन जी। हाँ। कि हम ये कहते हैं कि आज तक यहाँ कन्नौज में किसी का भी ऐसा अखिलेश ने या कोई भी हो इतना नहीं वो किया है। हाँ। जितना आज मोदी कर रही। हाँ। खाने को अन्न दे रही है और रहने को मकान दे रही है। हाँ। पेंशन बढ़ा रही है और आगे कल के पेपर में सिलेंडर, और कल भी कह रही है पेपर, मैंने पढ़ा। मिला है ये जो सरकार पहुंचाती है आपके तक पहुंच? बिल्कुल मिला है। अब दूसरी बात ये है कि मोदी भक्ति लेने, हमको भक्ति पसंद है, समझे, वो भक्ति पे है। हम मंदिर अयोध्या का और जहाँ देखे वहाँ उपकार कर रही है। अखिलेश यादव के भी तो सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं दादी, तो मथुरा बनेगा फिर? अखिलेश यादव बनवाएंगे मथुरा? नहीं, वो नहीं बनेगा अखिलेश, हमको धोखे में न डालो। हाँ। कह रहे हैं कि हमारे सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं। अच्छा। हाँ। सरकार अब आ रहे हैं सपने में? अभी तक कहाँ थे? पहले नहीं था?
अब तो 400 सीट लेके आ रहे और सरकार बना रहे अखिलेश। अगर सपने में आ रहे हैं तो पहले क्यों नहीं आए भगवान? अगर भगवान अगर आते हैं तो वो कहते हैं। तो झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं कृष्ण जी सपने? अब वो जाने, उसका दिल जाने, पर जो गलत करेगा वो गलत का गलत ही रहेगा बहन जी। हम तो सत्य जानते हैं। हाँ जी, ये बताइए अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि मैं अगला मुख्यमंत्री। अरे कहूँ नहीं, हटाओ जी बबुला। वो तो वो रहा मुख्यमंत्री अखिलेश, वो मंत्री तक नहीं बनेगा। थोड़ा योगी योगी बाबा कैसे हैं? योगी बाबा कैसे? हमारी माता जी को योगी जय श्री राम। योगी जी के बारे में बताइए, कैसे कैसा लगा उनका काम? नहीं, संत है पुरुष बहन जी, उसने भी कोई गलत नहीं किया। पर अखिलेश जो कर रहा है, अभी तक क्यों नहीं उसने सोचा और भगवान क्यों नहीं आए सपने में? अब वो नौटंकी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और से कीजिए, अब उनके बीपी बढ़ा रहा है। आप वोट दे चुकी हैं अपना? जी वोट दे चुकी है। हाँ, तो क्या कमल का फूल खिलेगा। क्या नाम है आपका? अजय गुप्ता। अजय गुप्ता जी, कैसे बीते 5 साल? इससे बढ़िया सरकार अभी तक देखी नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार नहीं थी इससे? अखिलेश सरकार थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी। जो गुंडा राज था, रास्ता चलते हुए आदमी को लूट लिया जाता, वो इस सरकार में तो नहीं रहा। बिल्कुल सेफ साइड, हर आदमी कहीं भी जा सकता था। अभी कैसा है सुरक्षा का मुद्दा अगर देखा जाए? अच्छा, तो बिल्कुल सही है। इससे अच्छी सुरक्षा कभी हुई नहीं। और राष्ट्र हित के में सभी लोग वोट कर रहे हैं, कमल फूल को खिला रहे हैं, भाजपा को वोट कर रहे हैं। आपके यहाँ गुंडागर्दी कम हुई है? बिल्कुल कम हुई, हर जगह कम हुई, पूरे उत्तर प्रदेश में कम हुई। अखिलेश यादव को नहीं देंगे मौका? जेल में थे, नहीं तो जेल के लिए मांग रहे थे कि हमें जेल भेज दिया जाए। तो अखिलेश यादव को मौका नहीं दे रहे? वो 400 सीट लाने का दावा कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई सीट नहीं मिलेगी, 100 सीट नहीं मिलेंगे अखिलेश यादव को। 50 सीट भी मिलेंगे। गढ़ में अगर बात करें तो ये जितने एरियाज है जहाँ तीसरे चरण में अभी मतदान हो रहे हैं, ज्यादातर सपा का गढ़ है, तो वहाँ बताइए। कहीं नहीं गढ़ है, हमेशा भाजपा का गढ़। हाँ गढ़ है, भी गढ़ है, ये बताइए भी गढ़ है, मैनपुरी सैफई टाउन। नहीं नहीं, कोई गढ़ नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे, नो गढ़ कुछ नहीं। कभी गुंडागर्दी का गढ़ हुआ करता था? नाम क्या है? कृष्णा गुप्ता। कभी गुंडागर्दी का गढ़ हुआ करता है? वो बहुत पहले ध्वस्त हो चुका है, उनका गढ़ चला गया, खत्म हो गया। बीजेपी के सरकार में भी गुंडागर्दी थी क्योंकि वो नई सपा लेके आए। अरे उनका काम खत्म हो गया, सपा एकदम साफ हो गई, चली गई सपा, सपा एकदम साफ। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि बेटा ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है अखिलेश। शिवप्रताप की हालत देख रहे हो, क्या बना दिया, क्या कर दिया उनको? चाचा चाचा होता है, चाचा कहाँ पहुँचा दिया? देख रहे, कुर्सी की जगह कुर्सी के डंडे पे बैठा दिया है। और ये जो समाजवाद बात कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, 2015 में हमारे साथ जो हिंदू दंगे हुए हैं, जो हिंदू भाई मारे गए, हिंदू ही भाई जेल गया है, क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जी? जो हिंदू विसर्जन यात्रा रहती, दुर्गा विसर्जन यात्रा, उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता दंगाई था क्या? तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दंगाई ही सत्ता में बैठे हैं, तो दंगे कहाँ से होंगे? कौन कह रहा है? दंगाई तो ये थे, तो आजम खान कौन थे, मुख्तार अंसारी कौन थे, ये ये कुछ नहीं, ये खुद ही दंगाई है। इन्होंने क्या नहीं किया, सब बर्बाद करके रख दिया, पूरा उत्तर प्रदेश लूट मचा रखी थी अखिलेश यादव। जनता फिर से उनको चाह रही है कि वो कोई नहीं चाह रहा है, वो उनको नींद आ नहीं रही, सपने देख नहीं पा रहे, तो वो हो गए डिस्टर्ब माइंड से। आप अपना वोट कर? मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट कर चुका हूँ, मतलब बता रहे हैं, भी किया है मैंने और आगे भी करूंगा। हाँ। और जो हमारे बच्चे शादी होगी मैं उनको भी यही कहूंगा कि तुम भी भाजपा को वोट देना। और साइकिल कहाँ जाएगी फिर? साइकिल तो बिक गई पहले ही, कहाँ है, कहाँ साइकिल, कौन कह रहा ये बहम है? हमें लगता है कुछ लोग और डिस्टर्ब हो गए अखिलेश जी के चक्कर में। साइकिल है कहाँ? हमें तो लग रहा है साइकिल दिख नहीं रही, हम लोग ढूंढते आ रहे हैं, साइकिल दिख नहीं रही है। यादव आ रहे हैं तो रैलियों में भीड़ भी काफी हो रही है, और आपके रैलियों में भीड़ हो रही है? मैं बोलूंगा भीड़, आप किस भीड़ की बात कर रही है मैडम? आरएसएस के नेता, क्या नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह है मेरा नाम। सुरेंद्र सिंह यादव जी जी, आरएसएस बताइए, आरएसएस के नेता मोहन भागवत जी ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि 2 चरणों में भाजपा की स्थिति बहुत खराब हो गई है और 3रे चरण के लिए भाजपा कार्यकर्ता सक्रिय हो जाए। और कल एक स्टेटमेंट का नाम दैनिक जागरण का भी था, बरेली का,
उसमें ये दिखाया गया था। जनता तो कह रही है कि फूल खिल रहा है। आप जिस क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ता के क्षेत्र में खड़े होकर एक क्षेत्र कार्यकर्ता है, वोटर 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 सब लोग वोटर हैं।